वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत देश उपर लगभग 90 वरे राज करन उपरंत 1849 ईस्वी विच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब देश नू अपने कब्जे विच ले लिया। इस वक्त पंजाब देश की विद्यक प्रणाली विश्व विच सिर कढ सी अते पंजाब की साक्षरता दर लगभग 100% सी। अंग्रेज़ हुकूमत ने पहला कम पंजाब की विद्यक प्रणाली नू तहस नहस करन दा कीता। नैतिक विद्या आधारित विद्यक प्रणाली नू मुकम्मल रूप विच तहस नहस करके विद्यक अदारियां अंदर सचार मनुखा दी घाड़त दा कम ठप कर दिता गया। पंजाब नू सदा लई गुलाम बना के रखण दे मनसूबे नाल अंग्रेज़ हुकूमत ने हुण अपना निशाना सिख गुरद्वारा साहिबाना नू बनाया, क्योंकि गुरद्वारा साहिबान आम लोगों लई ज्ञान दे केंद्र सन अते उन्हां अंदर आज़ादी लई मर मिटन दा चौ प्रबल करदे सन। अंग्रेज़ सरकार ने किरदार तो सखणे महंतां नू गुरद्वारियां दा प्रबंध सांभण लई असिद्धा सहयोग देना शुरू कर दिता। महंतां ने अंग्रेज़ सरकार नू हुकम ते गुरद्वारियां विच सिखी सिद्धांतां ते उल्ट कुकर्म शुरू कर दिते। ये सब कुछ सिखां लई बर्दाश्त करना बहुत औखा सी। उन्हां ने दुराचारी महंतां नू सबक सिखाउण अते गुरद्वारियां नू संगती प्रबंध हेठ लियाउण लई कर्म कसा कर लिया। इस मनोरथ की पूर्ति लई लगाए गए मोर्चियां विच गुरु के बाग का मोर्चा महत्वपूर्ण मोर्चा है। गुरु के बाग श्री अमृतसर तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी ते अजनाला तहसील विच श्री गुरु अर्जन देव जी अते श्री गुरु तेग बहादुर जी की चरण छूह प्राप्त इतिहासक गुरद्वारा साहिबान हैं। इन्हां गुरु स्थानां दे नाम काफ़ी जमीन सी जो सारी दी सारी इत्थों दे महंत सुंदर दास दे कब्जे हेठ सी। महंत सुंदर दास दा दुराचारी अते आयाश आदमी सी। ओह इन्ना क ज़्यादा बदनाम हो चुका सी कि सिख संगत उस नूं लगाम पाउण लई तैयार बार तैयार बैठी सी, पर श्रोमी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समझाउण ते उसने कमेटी नाल समझौता कर लिया अते अमृतपान करके कमेटी अधीन सेवा करना प्रवान कर लिया सी। सिंह उत्ते सरकारी सख्ती दा दौर वेख के महंत ने मुड़ अपनी तौर बदल ली अते गुरधामां दी दुरवरतों करन लग पिया। मिति 8 अगस्त 1922 ईस्वी दे दिन गुरु के बाग दी जमीन विचों लंगर लई लकड़ां लैण गए सिंघां नाल उसने दुर्व्यवहार किया अते 9 अगस्त नूं अंग्रेज़ पुलिस कोल गिरफ्तार करवा दिता। उन्हां नूं जुर्माने दे नाल 6-6 महीने की कैद सुनाई गई। इस घटना चारण मोर्चा लग गया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों रोस वजों गिरफ्तारी लई 5 सिंघां दा जथा भेजिया जाण लगा, जिस नूं पुलिस फड़ के दूर राडे छड आउंदी। जदों मोर्चे विच सिंघां दी गिणती वधदी गई तां पुलिस ने सख्ती शुरू कर दित्ती। 25 अगस्त नूं पुलिस अफसर SGMBT दे हुक्मां नाल लकड़ां लैण गए सिंघां दी सख्त मार कुटाई कीती गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा विच बैठे सिंघां नूं केसां तों फड़ के ढूहिया गया। बंदूकां दे दस्तियां अते डांगां नाल भारी कुट मार कीती गई। मुख आगूआं की गिरफ्तारी की भी सामन जारी हो गई। हुण रोज़ाना श्री अकाल तख्त साहिब तो अरदासां सोध के 100-100 सिंघां दा जथा रवाना होण लगा, जो शांतमई ढंग नाल हुम हुमा के गुरु के बाग विखे पहुँच के गिरफ्तारियां देण लगे। पुलिस उन्हां दे लाठियां वरसाउंदी, पर सिंह नाम जपदे अते सारा तशद शांत रह के तन ते हंडाउंदे उस पटड़ हो के डिग जांदे। हौसला करके उठदे अते मार खाण लई छातियां तान दिंदे। पुलिस ने डांगां नाल ही बस नहीं कीती, बल्कि फटड़ हो के डिग गए सिंघां उत्ते घोड़े भी दड़ाए जाण लगे। संसार भर विच सिंघां दे सबर अते शांतमई रहण दे चर्चे होण लगे। अंग्रेज़ हुकूमत दे वहशी तशद दी घोर निखेधी होण लगी। वख वख धर्मां दे लोक भारी गिणती विच गुरु के बाग पुजण लगे। इंग्लैंड दी चर्च दा पादरी C.F. Andrews, जिसने एक मसीहा सूली चढ़िया सुनिया सी, अपनी अखां सामने
सैकड़े मसीहे तसीहे चलते वेख के रो पिया। अंग्रेज सरकार नूं भेजी रिपोर्ट विच लिखिया कि गुरु के बाग विखे हो रहा अणमनुखी तरसद एक हिरदे वेदक घटना है जो देखी नहीं जा सकती। सिंघां दी वीरता दियां कहानियां घर घर होण लगियां। पंडित मेला राम वफा ने गुरु के बाग दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दिंदे होए कहा सी, तेरी कुर्बानियों की तुम है आज इस जमाने में, बहादुर है अगर कोई तो वो एक तू अकाली है, जालमों की लाठियां तू ने सही सीना ए सफर होकर, लुत्फ इस पै के लब पह शिकायत है ना गाली है। गुरु धामां लई अदा प्यार रखण वाले सिखां दे सबर अते शांतमाई वीरता ने नवा इतिहास सिरज दिता। सरकार कुड़िकी विच फस गई। सरकार ने गुरद्वारा साहिबान दे राह वाली चौंकी उठा ली, पर गिरफ्तारियां दा सिलसिला चलता रहा। इस मोर्चे दौरान 2000 सिंह बुरी तरह जख्मी होए। 5605 सिंघां दी गिरफ्तार किया गया, जिस विच 35 श्रोमणी कमेटी मैंबर सन अते 200 पेंशन प्राप्त फौजी भी शामिल सन। तरसद का यह सिलसिला 13 सितंबर 1922 नूं उदों बंद होया जदों पंजाब के गवर्नर सर एडवर्ड मैकलेगन ने गुरु के बाग जाके इस अत्याचार नूं देखिया। इस दे पक्के हल लई सर एडवर्ड मैकलेगन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग नूं शिमले जाके मिले। इस काम लई उन्होंने सर गंगा राम की मदद ली, जिसने 17 नवंबर 1922 नूं गुरु के बाग की जमीन पट्टे ते लै लई अते सरकार नूं लिख के दिता कि उसनूं ना तो पुलिस की किसी सहायता की लोड़ है अते ना ही वह सिखां नूं बाग विचों लंगर वास्ते बालण लै के जाण तों रोकना चाहुंदा है। इस तरह महान कुर्बानियां देण अते आत दे तसीहे चलण उपरंत गुरु के बाग दा प्रबंध सिख संगतां नूं प्राप्त होया। कुछ चिर मगरों इस मोर्चे दे सारे कैदी भी सरकार नूं रिहा करने पए। जिस तरह श्री गुरु अर्जन देव जी अते श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जालम मुगल हुकूमत दा नाश करन लई अत दे जुल्म नूं शांतमई ढंग नाल अपने तन उपर हुंडा के लोकां दी सुती जमीन नूं जगाया, उस तरह गुरु के बाग दे मोर्चे दौरान अंग्रेज़ हुकूमत दा अत दा तशद्द सह के सिंघां दीआं कुरबानियां ने भारत की आज़ादी का राह पदरा कर दिता। गुरद्वारा सुधार लहर प्रफुल्लित होई। सिखां ने वारों वारी सारे गुरधाम अंग्रेज़ हुकूमत दे कब्जे विचों छुड़ा के संगती प्रबंध विच लै आउंदे। सिखां दी वध रही जथेबंदक ताकत अते झोकदिआं अंग्रेज़ सरकार ने श्री गुरु श्री दरबार साहिब दे तोशेखाने दीआं चाबियां भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सौंप दित्तीआं। महात्मा गांधी ने सिखां दी इस जित नूं भारत दी आज़ादी दी पहली जित लिखिया, जिसने समुचे देश दी आज़ादी लई दोष वासियां दा मनोबल उच्चा कीता। पंडित मदन मोहन जी ने भी सिखां दीआं महान कुरबानियां तों प्रभावित हुंदिआं हर हिंदू परिवार नूं अपना वड्डा बचा सिख सजाउण लई प्रेरित कीता, क्योंकि गुरबाणी दी गुरती मिल जाण नाल मनुख अंदर इहो जिही तसीर फुटदी है जिस सदका उस सरबत दे भले लई आपा वारन लई तैयार बार तैयार रहिंदा है। साढ़े बजुर्गों दीआं कुरबानियां दा इह इतिहास दसदा है कि उन्हां अंदर गुरधामां प्रति किन्ना प्यार सी अते उह गुरु कौम अते समाज लई आपा निवास करन लई किवें तैयार बार तैयार रहिंदे सन। उन्हां दी इस चढ़दी कला दा मूल सोमा उन्हां दा गुरबाणी विच विश्वास अते गुरु दे एक एक बचन नूं जीवन विच अपनाउण दा चाव सी। आओ गुरबाणी नाल जुड़िए अते अपने बुजुर्गां दी तरह सचार मनुखां दा काफिला तैयार करके खुशहाल समाज दी सिरजना करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।